हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ स्टडी एक्सप्रेस एंड एंटरटेनमेंट। सो मैं हूँ आकांक्षा और कैसे हो आप सब, वो अच्छे ही होंगे। सो आज दो ओकेजन्स हैं। फर्स्ट वन इज़ अन्नपूर्णा जयंती, मार्गशीर्ष पूर्णिमा। सो और सेकेंड वन इज़ वेरी स्पेशल, पापा का बर्थडे। सो वैसे तो पापा के साथ ही सेलिब्रेट करते थे हर साल, तो पापा नहीं है तो मैंने सोचा कि क्यों ना एनजीओ के बच्चों के साथ सेलिब्रेट करते हैं। सो एनजीओ तो आपको पता ही है, मैंने मेंशन किया, मेरी फ्रेंड ज्योति का है, सो आदि ज्योति सेवा समिति। तो वहाँ पे दुर्गेश सर हैं, तो वो बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड कराते हैं। सो उन्हीं के साथ कुछ केक कट करेंगे और बच्चों को केक चॉकलेट और चिप्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सो और जब घाट पे आरती होगी तो उसका व्यू भी आपको दिखाएंगे। सो साथ में ये भी जा रहे हैं, बट ये इनको काम बहुत ज़्यादा है इसलिए ये वहाँ पे अवेलेबल नहीं होंगे। सो चलिए चलते हैं और सेलिब्रेट करते हैं। सो लेट्स गो, कैच यू लेटर। और एक और चीज़, आप लोग सोच रहे कि मैंने ये साड़ी क्यों पहनी हुई है, वो इसलिए पहनी है क्योंकि जो घाट पे आरती होती है उसमें रेड साड़ी पहनना ही अलाउ होता है, तो इसलिए मैंने ये साड़ी पहनी है। तो ये वहाँ का ड्रेस कोड होता है, सो दैट्स वाई मैंने ये पहनी, क्योंकि मे बी अगर मैं टाइमली पहुँच गई तो हो सकता है मैं आरती में शामिल हो जाऊँ, तो इस वजह से मैंने पहनी हुई है। सो देखते हैं।
देखिए जो बच्चे एकदम शांत स्थिर खड़ा है उसे वो दीजिएगा, जो बिल्कुल भी हिले उसे मत दीजिएगा, ये देखिए हिला इसको मत दीजिएगा, जो थोड़ा भी हिल जाएगा उसको मत दीजिएगा। अब देखिए जो बच्चा नहीं हिलेगा सिर्फ उसी को पढ़ा रहे हैं बच्चों को। हो गया 3 साल। 3 साल। क्या नाम है आपका? दुर्गेश। दुर्गेश, तो आप यहीं से? हाँ, मैं लखनऊ से। अच्छा, तो कैसा लगता है आपको इन लोगों को पढ़ाते हुए? बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। कैसे मैनेज करते? अच्छा लगा आपने आज अपने फादर का बर्थडे मनाया। रीजन ये एक्चुअली कोविड के टाइम, कोविड के बाद से ही यहाँ पे क्लासेस नहीं चल रही है क्योंकि ये सोशल डिस्टेंसिंग और बाकी चीजों की वजह से। उन लोगों का वही है, फिर कुछ चीज आ जाती है एकदम से। ये भी अपना तरीका इन लोगों का प्यार। लेकिन अच्छा लगा इन लोग के साथ सेलिब्रेट करके पापा का बर्थडे, और थैंक यू सो मच, आपकी वजह से हो पाया ये पॉसिबल। आप आई बच्चों, थैंक यू बच्चों, बाय 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 बाय, हैप्पी न्यू ईयर, बाय बाय। जाना हमें भी था, हमें लेट हो गया, तभी तो लाल साड़ी पहन के आए। लेट हो गया, घर नहीं आया अभी। ज्योति फ्रेंड है ना मेरी। अच्छा अच्छा, माचिस रुक जा, जल्दी घर आ जा यहाँ। पापा का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे ना ओ। बच्चों के साथ लेट हो गया। क्योंकि ठंडा होता है ना इस चक्कर में, जल्दी आरती शुरू हो जाती है। तो ये हमेशा होती क्या? हर महीने, हर महीने, हर एक महीने में पूर्णिमा, जो जो पूर्णिमा होती है उसी में ना। हाँ, उसी माचिस है नहीं इसमें। ओम भूर्भुवस्वः भूमत्यै नमः अक्षतां समर्पयामि। पुष्पमाला माल्यादीनि सुगन्धिनि मालत्यादीनि वै प्रभो मया नीतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृहता। साध्यं च वरति संयुक्तं वन्दिना योजितं बहुविधं स्वामी रसैस्तरभिः नैवेद्यं गृह्यतां देवी आपको यहाँ पे दर्शन करा दिया आरती के, और अभी मैं घर जा रही हूँ। जल मेरा जी
नंदोमेश्वर मंदिर की दिव्य गिरी, तो अभी आरती कर रही है और साथ में जो यहाँ के बच्चे हैं आरती कर रहे हैं। वो रही ज्योति मेरी फ्रेंड, और वो मुझ पर बहुत गुस्सा करने वाली है क्योंकि मैं लेट पहुंची हूँ यहाँ पे। If you like the video, please do like, share, comment and subscribe. Thank you all. Love you all. तो अभी यहाँ पे आरती चली रही है, बट अब जा रहे हैं घर और बर्थडे भी सेलिब्रेट कर लिया पापा का बच्चों के साथ। तो बहुत ही अच्छी फीलिंग आ रही है अभी, ऐसा लग रहा है कि मैंने कुछ कर लिया पापा के लिए। होप पापा ब्लेसिंग्स सेंड करेंगे हम लोग को। और ये भी है साथ में, इनके इतने कॉल्स आते हैं, बिजी रहते हैं कि इनको टाइम नहीं मिलता है बिल्कुल भी। तो आप लोग भी देखना वीडियो और बताना आप लोग को कैसा लगा पापा का बर्थडे सेलिब्रेशन। सो इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थोड़ा सा लाइट का इशू है यहाँ पे, देख सकते हो आप लोग लाइट का इशू है क्योंकि ये घाट है मेन, जहाँ पे आरती होती है वहाँ पे लाइट वगैरह है। बाकी तो पूरा ये एक गार्डन टाइप का है, सो इसलिए लाइट्स नहीं है यहाँ पे। अभी मैं घर आ गई हूँ और मैंने पापा का बर्थडे अच्छे से सेलिब्रेट कर लिया बच्चों के साथ, और आरती भी देख ली और आप लोग भी देखिएगा। आरती में थोड़ा सा लेट हो गई क्योंकि बच्चे काफ़ी ज़्यादा थे वहाँ पे, तो उनके साथ सेलिब्रेशन में काफ़ी टाइम लग गया और बच्चों को मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, बट दुर्गेश सर की हेल्प से ये सब पॉसिबल हो पाया। और थैंक यू ज्योति एंड थैंक यू ऑल फॉर लविंग मी। सो एंड यस, थैंक्स टू माय हब्बी जिन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया इस प्रोग्राम के लिए। जो मैंने सोचा उस वो पॉसिबल हो पाया तो वो हब्बी जी की वजह से हो पाया, क्योंकि उन्होंने सारी प्रिपरेशन कराने में मेरी हेल्प करी और मुझे लेके गए, और बिज़ी शेड्यूल होते हुए भी काफ़ी देर तक उन्होंने कार में बैठ के मेरा वेट किया। सो काफ़ी सपोर्टिव रहे, तो थैंक यू सो मच हबी फॉर योर लव एंड सपोर्ट, एंड थैंक यू फ्रेंड्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट, एंड कीप सपोर्टिंग मी, कीप मोटिवेटिंग मी, कीप लविंग मी, एंड
थैंक यू सो मच। एंड पापा के लिए क्या कहूँ, पापा को तो पता ही है कि मुझे कितना अच्छा लगता था उनके साथ बर्थडे सेलिब्रेट करना। सो आज बच्चों के साथ सेलिब्रेट करने का बस यही एक रीज़न था कि मैं पापा को बहुत मिस कर रही थी, और ये उनका फर्स्ट बर्थडे है जिसमें वो नहीं है मेरे साथ। ऐसे कई बर्थडे आने वाले हैं जब वो मेरे साथ नहीं होंगे, बट उनकी ब्लेसिंग्स मेरे साथ हैं और आई नो कि वो मेरे आसपास ही हैं और पापा मम्मी दोनों ही मेरे आसपास हैं। सो लव यू पापा मम्मा बोथ, लव यू, और अपनी ब्लेसिंग्स देते रहना अपनी बेटी को। Happy birthday, Papa!